नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य का वेस्टर्न डांस, चुनाव और टिकट की टेंशन भूल स्टेज पर दिखाए मूव्स। ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया स्टूडेंट्स के साथ जमकर नाचे। देशी अंदाज में सिंधिया के वेस्टर्न डांस ने सभी का दिल छू लिया। प्रधानमंत्री मोदी का सिंधिया स्कूल में आना और कार्यक्रम के सफल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को डांस करने से रोक नहीं पाए। वे चुनाव की टेंशन को भूल स्टेज पर झूम कर नाचे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया का डांस वीडियो भी सामने आया है। लोगों ने सिंधिया राजघराने के किसी मुखिया को इस तरह डांस करते पहली बार देखा है। जिस गाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया नाचे हैं, वो गाना सिंधिया स्कूल के स्टूडेंट की ओर से ही लिखा और गाया गया है। सिंधिया को स्टेज पर डांस करता देख स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर भी उनके साथ नाचे। खास बात यह है कि 125 साल पहले सिंधिया रियासत के महाराज ने ग्वालियर के ऐतिहासिक किले पर सिंधिया स्कूल की स्थापना की थी। तब से लेकर आज तक सिंधिया स्कूल में पढ़ चुके छात्र आज देश विदेश के जाने माने उद्योगपति, फिल्म स्टार और नेता हैं। सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत कार्यक्रम की अगुवाई केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी। सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रपति मंगू भाई पटेल, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रियदर्शनी राजे, सिंधिया स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट और पढ़ चुके पुराने स्टूडेंट सहित 5000 से अधिक लोग मौजूद थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।